सैनीवास सत्यनारायण के मुख्य संचालक से जाना सैनीवास बुलेट बाबा धाम का असली सच। टैलेंट ऑफ इंडिया न्यूज प्रबंधक रोहतास सिंह योगी ने लीक ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट, देखे क्या कहते हैं भक्त। नमस्कार दोस्तों, मैं टैलेंट ऑफ इंडिया रोहतास सिंह योगी आज आपको लेकर आया सैनीवास हरियाणा। और आज हम आपको बता दें, आज हम उस धाम पर हैं जिसे 12 महीने पहले शायद ही कोई जानता था, लेकिन 12 महीने के अंदर अंदर आज यहाँ पर बहुत बड़ा धाम हो चुका है। ओम बन्ना जी महाराज की यहाँ पर आप देख सकते हैं बुलेट है, जिसका मेन स्थान तो राजस्थान के जोधपुर में है, और आज उसी के निशानी को यहाँ पर लेकर आया गया है। क्या कुछ है, क्या नहीं है, क्या शक्ति है, क्या कुछ मान्यता है, वो चीज़ भी हम देखेंगे। मैं कहूँगा देखिए यहाँ पर किस तरह से दुखी परेशान लोग आते हैं। यहाँ इधर दिखाइए एक मिनट, आप इधर दिखाइए, देखिए इस तरह से लोग जो है यहाँ पकड़ पकड़ कर लेकर आते हैं, और हर तरह का यहाँ जो व्यक्ति आ रहा है, किसी को किसी तरह की बीमारी है, किसी को किसी तरह की बीमारी है, वो अपनी अपनी बीमारी का कष्ट यहाँ निवारण करवाने के लिए यहाँ पर आता है। सबसे पहले यहाँ पर ओम बन्ना जी महाराज के दर्शन करते हैं, और उसके बाद फिर वो वहाँ पर जाते हैं जहाँ पर झाड़ा लगाया जाता है। हम उस स्थान को भी दिखाएंगे आपको जहाँ पर ये झाड़ा लगाया जा रहा है। कैसे पता लगा आपको, रहने वाले कहाँ के हैं आप? नहीं, हम भोरेगढ़ में रह रहे हैं। तो कैसे पता लगा आपको? पता हमारी माता जी हैं, उनको पता लगा, उनके द्वारा फिर हमारी मैडम जी आई दोबारा, पहली बार हम आए तो मैडम जी को हमने करीब 3 साल से हमारा इलाज चल रहा था मैडम जी का, सर का, पैर का, कमर का नहीं सही हो रही थी, तो फिर हमने 2 महीना इनका इलाज बंद कर दिया। जब हमको पता लगा तो 8 दिन पहले आई, इसके बाद 8 दिन में इनको बहुत आराम मिला। हाँ जी, इसके बाद फिर हम आए। जी भाई, कहाँ से आए यहाँ पे? अम्बाड़ा जिले से। अम्बाड़ा जिले से, कितनी दूर से? हाँ जी। क्या कुछ सुनकर आए हैं आप? मैं ये पता लगा अभी ठीक हो रहा थी माँ बेवर ही। क्या दिक्कत, क्या परेशानी आपको? मुझे शुक्र बहुत अभी आपको। तो आपके यहाँ क्षेत्र के लोग आए हैं पहले यहाँ पे? हाँ, ठीक हुए हैं वो। कौन आया? अच्छा, आप आए थे। एक मिनट आइए, इधर आइए थोड़ा सा, आप इधर आ जाइए। क्या नाम आपका? मेरा नाम करनाल पुरी है जी। करनाल जी, हाँ जी, हाँ जी। आपको कैसे पता लगा इस स्थान का? मैंने यूट्यूब पर देखा था जिसका प्रोग्राम। अच्छा, तो मैं पिछली बार वहाँ आया था, 23 बंदे लेगा, 23 का 23 ठीक हो गए कुदरती, सारे ही ठीक हो गए। अभी बार 50 आए बल्कि 23 के, तो वादे बंद रह गए हमारे। तो फिर जो है 23 की जगह 2300 लेके आने जो आ रहे भी, जिसका राम हो रहा है, दुनिया का फायदा हो रहा है, तो आवाएगी ये हुआ चक्कर। कई अगले वर्ष हो जाएंगे, हैं जी, अगले वर्ष हो जाएंगे वो, बस उसके ऊपर वाले की माया देखो। तो पर अपना कहने का मतलब तो क्या कुछ है, मतलब आप यहाँ क्या चढ़ाते हैं, क्या महाराज जी लेते हैं, क्या कुछ है, इस तरह के कुछ है यहाँ पे लेना देना कुछ है? ना कुछ नहीं, ना कुछ दे रहे ना कुछ ले रहे, बस अपना ये प्रसाद आए चल रहा नारियल का, अपना मर्जी आ, कोई 10 रुपए का माथा टेक लो। कितने कितने महीने से पता लगा कुछ इसका, कितने साल हो गए इसको? बस हमने नहीं पता जी, हम तो भी पहली बार आए थे अभी पिछले। बिल्कुल ठीक बात है, जैसे जैसे लोगों को पता लगता है वो अपने अपने कष्टों का निवारण करने के लिए आते हैं। जिस तरह से बता रहे हैं कि पहले यहाँ पे 23 बंदे आए थे और अब की बार 50 बंदर ले गए, बंदे लेकर आए हैं। तो वही चीज़ें हैं कि जिस तरह का विश्वास की बातें होती है सबकी अपने अपनी। आइए आइए चलते हैं थोड़ा सा आगे, जो यहाँ पे जो सेवक है उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। तो नाम क्या आपका? अजय नाम है जी। अजय भाई, आप ये क्या कुछ करवा रहे हैं यहाँ पे? यहाँ पे जी भीड़ ज़्यादा होती है, इसका रण मंदिर तो बंद कर रखा है, बाहर से ही धोख लगानी पड़ती है, तो यात्रियों को कष्ट ना हो, दुखी ना हो, इसलिए हम गेट पे खड़े रहते हैं और व्यवस्था बनवाते रहते हैं। प्रसाद चढ़ाना प्रसाद चढ़ाना जरूरी होता है? जरूरी नहीं है, अपनी श्रद्धा अनुसार चढ़ा रहे हैं। यहाँ पे कंडीशन नहीं है कि प्रसाद चढ़ाओ, ये अपनी श्रद्धा इनकी, इसलिए ये चढ़ा रहे हैं। तो कितने महीने से है यहाँ मंदिर? मंदिर यहाँ होंगे 6 महीने तो हो गए होंगे सर। 6 महीने से? हाँ जी। तो बुलेट वाले बाबा तो राजस्थान में जोधपुर में है ना? हाँ, मेन धाम उनका ही वहीं पे है, चोटीला धाम है ना जहाँ पे, वहीं पे है मेन धाम तो इनका। फिर यहाँ कैसे पूजा हो रही है? यहाँ तो हमारे जो भगत जी हैं सत्यनारायण जी, वो इनके पुजारी थे, मतलब वो इनकी पूजा पाठ करते थे, तो उन्होंने यहाँ पे मंदिर बनाना शुरू कर दिया। तो आप तो युवा हैं, पढ़े लिखे हैं, तो आप लोग भी इस चीज़ पर जो है विश्वास करते हैं? देखो जी, ये तो आप जनता से पूछो, जनता ठीक हो रही है वो कह रहे हैं तो हम मान रहे हैं। अब ये तो जनता को ही पता है या ऊपर वाले को पता है, पढ़े लिखे वो अलग बात है। ये मानता हूँ कि मतलब डॉक्टर भी हैं, लेकिन हर चीज़ डॉक्टर के हाथ में भी अच्छा, नहीं। अच्छा, डॉक्टर भी आते हैं? डॉक्टर भी आते हैं खुद। चलिए, ये भी अपने अपने आस्था की बातें होती हैं, क्योंकि जब यहाँ पर जिस तरह से बीमार लोग आ रहे हैं, डॉक्टर भी यहाँ जिस तरह बताया जा रहा है कि डॉक्टर भी आते हैं, तो इससे सीधी सीधी अपनी आस्था के ऊपर बात होती है। और मैं चाहूँगा जरा कैमरे मैनेजर आ गया है तो बुलेट बाबा के जो है दर्शन कराते हैं।
नाम क्या आपका? रोशन नाम है जी। रोशन जी, कौन सी जगह है ये? ये सैनीवास गांव पड़े जी, शिवानी तहसील, जिला भिवानी। ये क्या कुछ यहाँ पर किसी की मान्यता है, क्या देख रहे हैं? ओम बन्ना जी की मान्यता है जी, ओम बन्ना का मंदिर है, बुलट बाबा की डोक लगा है। तो बुलट बाबा तो राजस्थान जोधपुर में है? नहीं, जोधपुर में भी है, यहाँ भी है। यहाँ क्या वो वही बुलट यहाँ पे आई है? नहीं जी, बुलट ये अलग से है, वो उड़े हैं। अच्छा, हाँ जी। तो इसकी क्या कुछ मान्यता है, क्या यहाँ से शक्ति मिलती है? शक्ति खूब मिलती है जी, भगत तो लावा झाड़े पंच तत्व के नाम के खेत में बना रखी, क्यों गांव में जगह नहीं है, पहले यहाँ लोग पूजा हुए, बाद में उड़े खेत में झाड़े लगे हैं। खूब फायदा है जी। लेकिन कुछ लोग तो इसका बहिष्कार कर रहे थे। नहीं जी, गांव में ऐसा कोई नहीं बहिष्कार करने वाला, पूरा गांव सहयोग करे है, पूरा गांव में मान लो सारे बंदे सही हैं। उमेश सिंह है जी। कहां से आए आप? खुडन गांव से जी। ये कौन सी जगह आए आप? हां जी, कौन सी जगह आए आज आप? सैनीवास। क्या है यहां पे? यहां पे महाराज जो बख्शीश है उसकी वो ठीक है, हमारे 90% आराम है। तो क्या बीमारी थी आपको? मेरे जी कुछ थोड़ा हाँ कमजोरी दम चढ़ था, वो भी आराम है। आराम है हाँ। एक जो ये है इस, अगर ये हो गया तो मेरा तो 125% हो जाए 100 की बजाय। यहाँ आने के बाद कहाँ जाते हैं सबसे पहले? सबसे पहले हम वहाँ माथा टेकने जाते हैं मोटरसाइकिल के पास, वहाँ सलूक सही नहीं होता। क्या कहते हैं? वहाँ पकड़ के दूर बजा देता है नीचे आके। सेवादार है उसका बर्तावा ठीक नहीं है। क्या क्या दिक्कत, क्या परेशानी आ रही है वहाँ जी? जब हम चढ़ाते हैं तो हाथ पकड़ के खोज लेता और दूर कर देता है, चाहे छोटा हो चाहे बड्डा हो चाहे बुढ़ा हो, निबड़ा हो गया थोड़ा काम यहाँ से। अच्छा। मैं तो जी उससे नहीं मान्या, मैं तो अपने चढ़ा की और माथा टेक की जब आया, मैं तू कर ही जावे, तेरा काम यो है, हाथ ना लगा तो मैं तो टेक के आया था। लेकिन जी बड्डे बुढ़े ने तकलीफ है ज़्यादा, ये हम महाराज से विनती करते हैं कि वहाँ ये प्रॉब्लम ना हो। नाम क्या आपका? मुकेश है जी। कहाँ से आए आप? दौलतपुर दिल्ली। ये कौन सी जगह है आप? ये सैनीवास धाम है जी। ये क्या पता लगा था आप लोगों को? वैसे वैसे ही दुनिया वो कर रही थी, हमने यूट्यूब पर देखा था प्रोग्राम, तो इसलिए। क्या भी जानकारी मिली थी आपको? हमें ये पता लगा था कि जी काफ़ी वहाँ जाने से ठीक हो रहे सब लोग। बात तो क्या बीमारी है? बीमारी बस कमर में दर्द है थोड़ा। पहले भी आए आप? हाँ, एक बार आया था। तो आराम है बस? हाँ जी। कितना आराम है? कम से कम 90% है। हॉस्पिटल बंद करवा दोगे सर? ना ना, ऐसा नहीं है सर जी। जब फिर आप दवाई के ठीक हो जाएंगे? ना, हाँ बिगड़ दवाई ठीक हो रही है जी। हाँ बिल्कुल।